तो ये रहा फ्रेंड कंप्लीट कोट जैकेट वास्कट जिसे कह सकते हो आप। इस पे बटन लगाएंगे तो काफ़ी खूबसूरत दिखेगा, तो आसानी से आप भी बना सकते हो, बिल्कुल 10 मिनट भी नहीं लगते हैं इसको कटिंग और सिलाई। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी तरह बहुत ज्यादा खुश होंगे। तो आज की वीडियो में आप सभी को मैं एक वास्कट बता रही हूँ, छोटा सा वास्कट है, हाफ कोट ही कह सकते हो, जैकेट कह सकते हो। पिछली वीडियो में मैंने घाघरा सिलना सिखाया, तो आज मैं इसी बच्ची का, ये ब्लाउज है और ये वास्कट है, तो इस पूरे ड्रेस को बनने के बाद जो पहन के दिखता है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखता है। तो आज मैं वास्कट फिर ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी और उम्मीद करती हूँ आपको घाघरे वाली वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। है ये गर्म कपड़ा है, ब्लैक कलर का, काफ़ी सुंदर लगता है। और ये लाए हैं पौना मीटर, 30 इंच का ये कपड़ा लेके आए हैं। वैसे जो बड़े लोगों का बने तो ही इतने में बन जाता है, तो ये तो बच्ची है, ये बहुत ज़्यादा कपड़ा लेके आ गए, तो इसी में से हम अस्तर निकालेंगे। पहले तो इसे फोल्ड कर लेते हैं उल्टा, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, हम ऐसी निकाल लेंगे क्योंकि वो पतली सी तो है, तो ऐसी निकल जाएगा। तो इसे पहले ऐसे चार पल्ले में फोल्ड करेंगे। ये देख लीजिए 1.5 इंच की मैंने पट्टी निकाल दी है। अब हम इसी से गला वाला करेंगे, एक बंद है और एक खुला है, खुले वाले को हम फ्रंट मानेंगे और बंद वाले को बैक मानेंगे। सबसे पहले इसमें हम लंबाई रखेंगे, तो उसकी लंबाई है 14 इंच, देख लीजिए ये 14 है, इसमें से हम 1.5-2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, थोड़ा सा नीचे से दबेगा, थोड़ा ऊपर से दबेगा, 1.5 या 2 इंच आप कितना भी रख सकते हो इस तरह से। और इसके कंधे आप ज़रूर नापिए कि किसके कितने कंधे हैं, तो इसके 12 कंधे थे, तो 6.5-6.5 हम इसको इतना रखेंगे, और यहाँ से भी आर्म होल उतना ही रखेंगे। और यहाँ से हम आगे बढ़ा देंगे, तो इसमें एक ही गोलाई ले भी लेंगे, तो फ्रंट नीचे हमारा फ्रंट की गोलाई हम बाद में लेंगे। तो इसकी फिटिंग, चेस्ट की फिटिंग है 24, तो 6 आता, वैसे थोड़ा सा लूज रखेंगे हम क्योंकि जैकेट बाहर से पहनना होता है, वो ये ब्लाउज की नाप बता रहे हैं। और कमर है 22, तो कमर भी इतना रखेंगे, तो ये हमारा नाप हो गया और ये हमारा कटिंग हो गई। तो इस तरह से हम इसके कटिंग करेंगे। और ये पीछे का गला हो गया 2 इंच चौड़ा और 1.5 इंच गहरा, तो ये, और आगे के लिए भी हम छापेंगे, और 5 इंच हम आगे के लिए निकालेंगे, और आगे का गला होता है भी गला, तो इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। इसे तो हम पूरा ही निकाल लेंगे इस तरह से, और ये वाला हम ऐसे कटिंग करेंगे। ये कोटी कट स्लिप रहती है, और ये हमारा फ्रंट का नेक कट गया। तो अभी दिखाते हैं मैं पूरा खोल के किस तरह से ये बना है। ये बैक हो गया और ये एक फ्रंट ये हो गया ऐसे, ये हमारा पट्टी के लिए फोल्ड हो जाएगा, और एक ये हो गया ऐसे, और ये हमारा पट्टी के लिए फोल्ड हो जाएगा। इस तरह से हम बराबर बराबर फोल्ड करेंगे, तब इसमें बटन लगते हैं यहाँ से नीचे। तो ये हो गया इसकी वास्कट की कटिंग। इसी नाप का हम इसमें से अस्तर भी निकालेंगे फ्रंट के लिए, तो वो फिर निकालेंगे, अभी इसको रख देते हैं। इसको सिल के बताएंगे अब आपको मशीन पे, तो उससे पहले ब्लाउज भी काट लेते हैं, लेकिन ब्लाउज को मैं अलग से वीडियो में डालूंगी क्योंकि एक के साथ ना बहुत ज़्यादा घिजिर विजिर होता है, तो इस वाले को अलग, इसकी स्टिचिंग और कटिंग एक साथ, और ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग एक साथ करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको वास्कट की कटिंग पसंद आई होगी, इसी से आप बड़े लोगों का भी कर सकते हो, जितने बड़ों के कंधे हैं, जितने बड़ों के आर्म होल है, चेस्ट है, लंबाई जितना मांगते हैं उस हिसाब से, बाकी सरल होता है एकदम, 10-20 मिनट में ये कटिंग और स्टिचिंग पूरा हो जाएगा। तो अभी इसको सिल के बताएंगे। तो जैकेट सिलने से पहले बॉबिन में धागा भर लेते हैं। इसमें ऐसे खूब पेचकस चाहिए होता है, एक पेचकस और इसमें भरूंगी मैं इस तरह से। ये हो गया, कम ही लगेगा। अब बैठती हूँ मैं अपने मशीन में, होंगी सटल में इस तरह से, और इसे लगाएंगे यहाँ। इसमें भी धागा सिंपल नॉर्मल मशीन जैसे और में लगता है वैसे लगता है, कुछ कठिन नहीं होता है। इस तरह से यहाँ फिर सुई में। सो गाइस, ये मैंने
कोटी इस तरह से कटिंग कर रखी थी आपने देखा। मैंने इसमें से सबसे पहले पीछे के गले के लिए पट्टी काटी, ये छोटा सा पट्टी काटा, किसी भी जो बचा हुआ कपड़ा था उसमें इसको ऐसे रखा, ये वाला निकाल लिया, इतना जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे निकाल लिया, फिर डेढ़ डेढ़ दो दो इंच की पट्टी निकाल ली। इस पट्टी को हम पहले तो इस तरह से फोल्ड करेंगे ऐसे कच्ची सिलाई में, तो इसके किनारे किनारे पे मैं सिलाई लगा रही हूँ कच्ची वाली, तो इसे अब पीछे के पल्ले में लगाऊंगी मैं, ये पीछे का है, इसे ऐसे बिठा के ऐसे रखूंगी और इसके ऐसे ऐसे आधे इंच की पूरी मैं सिलाई लगाऊंगी। तो ये आधा आधा इंच की सिलाई लगाने के बाद इसमें कट कट लगाना ज़रूरी होता है ये, तो कट लगाने के बाद इसमें एक पैर की सिलाई लगाएंगे या दाब की सिलाई या टॉप की सिलाई, कुछ भी कह सकते हो आप लोग। पलटेंगे जब हमारा फ्रंट तैयार होगा इस तरह से, तो ये हमारा पीछे का गला हो जाएगा कोटी में, तो इसे हम फिर कंप्लीट करेंगे, पहले फ्रंट हम तैयार करते हैं। है इसमें से मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था उसी में उसी के ऊपर इसको रख के दो और निकाल लिए, चार कली का ये हो गया, तो इसे हम ऐसे रखेंगे और इसको जैसे ये बॉर्डर बॉर्डर वाला है इसे हम सीधा मानेंगे, इसको अस्तर मानेंगे, तो किसी को भी कुछ मान सकते हो आप। ऐसे रखने के बाद इसके ऊपर दूसरा गला सेम सेम ऐसे बिछाएंगे और उसको भी उसके साथ ऐसे बिछाएंगे, और पहले हम यहाँ से लेके ऐसे गले में सिलाई लगाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ ऐसे और गले में और आर्म होल, बस इतना ही हम सिलेंगे। पहले इसकी आधे आधे इंच की सिलाई हम गले से लेके पूरा नीचे तक लगाएंगे कुछ इस तरह से, यहाँ पे सीधा है तो सीधा रोकेंगे तब हम सीधा ले जाएंगे नीचे। और जो अस्तर था मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा काट रखा था, मैंने कहा क्या पता ज़रूरत पड़ जाए, कभी भी कपड़े को फिटिंग नहीं काटते हैं। और इसको भी मैंने सिल लिया है, इसमें भी कट कट लगाएंगे क्योंकि भी राउंड भी सेफ का ये गला है, तो पलटने में इसमें भी परेशानी होगी। तो एक सिलाई हम इसके आर्म होल में लगाएंगे और इसमें भी कट कट लगाएंगे, फिर पलट लेंगे हम इसे, ये हो गया, और आर्म होल को भी अच्छे से सेट कर लेंगे और गले को भी, फिर हम ऐसे दूसरा पार्ट भी तैयार करेंगे। ये मैंने सिल लिया है, फ्रंट तैयार कर लिया है, आर्म होल मैंने इसका तैयार कर लिया है। इसमें अस्तर होता है ना तो काफ़ी अच्छा हो जाता है, देखो अच्छे से बिठा लिया मैंने चारों तरफ से, तो ये तो फ्रंट तो तैयार हो गया, आर्म होल में भी अब कुछ काम करना नहीं है। रही बात इसकी, अब इसका भी अस्तर होता तो आर्म होल हम अंदर से ही सिलते और पलट देते तो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ जाती और हमें कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब कपड़ा तो है नहीं, पीछे पल्ले में मैंने गला मोड़ लिया है और अब इसे भी हम ऐसे ही मोड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के ऐसी इस तरीके से हम यहीं से मोड़ेंगे, कपड़ा तो है नहीं, ताकि अब अगर कपड़ा होता तो पट्टी लगाते, तो अब इसे ही ऐसे हल्के हाथों से ऐसे मोड़ के पूरे में सिलाई लगा देंगे, नहीं तो कपड़े की पाइपिंग भी लगा सकते हैं। तो मैं इसे पूरे मुँह मोड़ती हूँ दोनों साइड। तो मैंने बैक के आर्म होल मोड़ लिए हैं देखो इस तरह से, अब इसके कंधे सिलने हैं, तो इसके कंधे हम बंद सिलेंगे, ये फ्रंट है, ये फ्रंट का गला या आर्म होल और ये बैक का गला, तो इनको इस तरीके से पकड़ेंगे, ये देखो ये, तो पूरा उल्टा करेंगे इसको, यहाँ से ले जाके इन कंधों को यहाँ से हम यहाँ निकालेंगे, यहाँ से निकालने के बाद हम इन तीनों को बराबर पकड़ेंगे, ये बैक का गला, ये फ्रंट का, ये, तो इसमें ऐसे तिरछी सिलाई लगाएंगे इस साइड भी उस साइड भी दोनों साइड। तो इसे पूरा सिलने के बाद, तो इस तरह से कंधा सिलने के बाद हम इसे इस तरह से पलटेंगे, ये देखिए कितना बराबर आया है, तो ये कंधे सिल गए हैं और एकदम बंद। तो यहाँ से ये इधर को ये फ्रंट गला, फिर बैक गला, फिर दूसरा कंधा और गला, तो इस तरह से ये आर्म होल भी हो गए और गले का भी हो गया। तो देखिए फ्रेंड, कंधे इस टाइप से लगा लिए हैं, बाकी ये गला, ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था इतना इतना डेढ़ इंच, तो आपने देखा होगा उस समय, तो एक दूसरे के ऊपर ये इस तरह से इसमें बटन आएंगे, ये फिटिंग हो गई यहाँ पर से आर्म होल, फिर यहाँ से सिल के लाएंगे, यहाँ से ऊपर 3.5 के लिए हमने कट रखा है ये वाला और ये वाला भी, पहले मैं 3 ही रख रही थी, फिर यहाँ से मुड़ेगा भी ये तो छोटा हो जाएगा, तो 3.5 मैंने कट रखा। तो जितनी फिटिंग आपकी आती है उतना रखोगे और सिलाई करोगे, पहले ये वाली सिलाई करते हैं फिर कट ये वाले फोल्ड करेंगे। तो फिटिंग सिलने के बाद इसके किनारे इस तरह से मोड़ेंगे, ये देखिए अपने आप ही अलग हो गया, ये पीछे का पल्ला का है तो छोटा छोटा ही मोड़ना है ये इतना सा। तो इस तरीके से ये देखो सिलाई मार ली मैंने ये यहाँ से, फिर ये फ्रंट थोड़ा सा मोटा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे डबल कपड़ा है इस तरीके से,
अब जितने मोटे हमने यहाँ पर मोड़ रखे हैं उतने में हम यहाँ ये वाला भी मोड़ेंगे इस तरीके से, यहाँ मार के पूरा पीछे से लेके यहाँ तक हम कंप्लीट करेंगे इसे। इससे पहले हम इनको नाप लेंगे तभी हम इस हिसाब से मोड़ेंगे, नहीं तो एक लंबा एक छोटा हो जाएगा। तो मोड़ने के बाद ऐसे निशान लगाएंगे फिर मोड़ेंगे इस तरीके से। तो हम इतना इतना इसको मोड़ेंगे। तो इस पे आप सो बटन भी लगा सकते हो, अंदर चिट बटन भी कर सकते हो या हुक ऐसे और बाहर से सो बटन, या तो इसके काज कट के नीचे से बटन लगेंगे इसमें और ऊपर में बटन, तभी ये इस टाइप से ढकेगा। तब ज़्यादा रखा था मैंने ये 1.5 इंच मैंने ऐसे ज़्यादा रखा था ये कपड़ा, देखा होगा आपने जब मैंने कटिंग किया था। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा डन। तो फ्रेंड ये बन गया है सिंपल सा कोट, छोटा सा जो बनाया मैंने सिर्फ 10-20 मिनट में। इसकी कटिंग और स्टिचिंग आप तो आसानी से कम 30 मिनट में बना ही लोगे, तो ये तो बिल्कुल नॉर्मली बात है। इसी ये तो बच्ची का है, इसी टाइप से आप बड़ों का भी बना सकते हो। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। अगली वीडियो इसी कोटी के साथ का ब्लाउज सिलना है, बच्ची का ही है, उसमें मैं अगली वीडियो में वो सिलूंगी मैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको जो भी कमेंट है, जो भी आपका क्वेश्चन है, कमेंट में लिख दीजिए, अगली वीडियो उस बारे में बनेगी। और आप लोग नए नए क्या सीख रहे हैं मेरे से, उसकी फ़ोटो भी आप इंस्टाग्राम में मुझे शेयर कर सकते हो, तो मैं आपकी फ़ोटो भी अपने वीडियो में अटैच करूँगी। तो आई होप ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।